असलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों बाद सूरज ने चेहरा करवाया है, नज़र आना शुरू हुआ जी सूरज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि आपको अपनी ब्लीड चेक करवाते हैं, और मंथ में ख़ास तौर पर ये जो जनवरी का मंथ इस दफ़ा आया है, इसमें ब्रीड बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से बच्चों का सरवाइव करना, पेरेंट्स का उनके सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। मैंने इससे पहले कभी बॉक्सेस नहीं लगाए थे, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। हमारे इधर बहावलपुर में इतना दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होता था, सर्दी की वजह से नॉर्मल रहता था टेम्परेचर, तो हमें ज़रूरत, मुझे ख़ास तौर पर ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो इंशाल्लाह जी, मेरी कोशिश है कि आइंदा मैं इनको करता जाऊँगा बॉक्सेस को मटकियों की जगह पे। तो चलते हैं जी ब्रीड की तरफ, आपको दिखाते हैं अपने शालिनी की ब्रीड। बहरहाल ये जी इसमें भी जी दो चीक्स हैं, इसमें भी माशाल्लाह से जी चीक्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी एक्टिव है। इसके बाद जी इसमें भी चीक्स है, इसमें भी जी आप देख सकते हैं ये चीज कवर हो रहे हैं। इसमें अंडे हैं, इसमें देखते हैं, इसमें भी एक चीज है हुआ है, बाकी अंडे खराब हो गए, शैलिन डेड हो गया। इसमें भी जी एक चीक है हुआ, क्योंकि नमी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी कुछ आया, मेरे ख्याल में दो या तीन चीक्स हैं, तीन चीक्स हैं। इसमें मेरे ख्याल में अंडे हैं, इसमें देखते हैं, इसमें भी चीक्स हैं, दो चीक्स हैं जी इसमें भी। इसके अलावा ये खाली है, इसमें भी चीक्स हैं जी, आप देख सकते हैं। ये खाली है जी, ये भी खाली है अभी, इसमें भी जी चीक्स हैं जी, और पिल्ले आ रही हैं जी, बाकी कोशिश है जी
जो चीक्स हैच हुए हैं इनको सरवाइव इनका होना इजी हो जाए, क्योंकि सर्दी अभी भी है। आज सूरज ने थोड़ा सा चमका है लेकिन इस पर तपिश नहीं है, और कुछ मेरे जो जोड़े इस टाइम रेस्ट पे थे, सर्दी की वजह से रेस्ट पे चले गए थे, ब्रीड नहीं कर रहे थे, उम्मीद है कि वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये साथ ही मेरी जी छोटी कॉलोनी है 5x5 पेयर्स वाली, और देखते हैं जी कि इनका क्या रिजल्ट आता है। होपफुली जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे सकूं अपने बर्ड्स के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।